गॉड लाइक वर्सेस गॉड लाइक एडमी लाइन अप किंग लाइक वर्सेस सीन सोल, ये सोल भी यहां पे आ चुकी है, क्षति यहां पे पैन नहीं, एक्सो की टीम यहां पे आ चुकी है। आगे अगेन एक एक्सो वर्सेस सोल का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। गोब्लिन यहां पे सेंसे को नॉक कर देंगे और इसी के साथ अब एक रश करने का मौका बनेगा। कंप्लीटली फोकस फिलहाल स्नैक के ऊपर बना हुआ है, लेकिन प्लेयर 3 के द्वारा वो अच्छा ग्रेड जो आता है सेंसे को नॉकआउट निकाल देगा। और ये जो स्पीड में बात कर रहा था ना फेयर्स, शायद उनकी लोकेशन वो भाप नहीं पाए थे यहाँ पर पहले से। बट टीम एक्सो वर्सेस टीम सोल, दो बेहतरीन टीमों के बीच में एक शानदार मुकाबला मेकअप यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। सेंसे को अभी तक रिवाइवल मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। एंस्पिरो देखिए जितना ही पॉज मिलता है ना उसका फायदा मिल जाता है, लेकिन इसी बीच प्लेयर 3 अगेन और कंफर्म करती है नुसरान की, और ना केवल कंफर्म स्पिरो वहां पर पंक को भी नॉकआउट कर दिया गया। फिर से एक ऑन आउट देखने को मिले उनकी तरफ से, लेकिन स्नैक्स एक 1v2 करके दिखाना पड़ेगा उनके जस्ट सामने चैलेंज जो यहां पर है। प्लेयर 3 के पास एक एडवांटेज बनेगा हायर ग्राउंड का, स्नैक्स को भी आगे जाना पड़ेगा। बट अभी के लिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी स्प्रे आता है वहां पर नजर आने के सॉल्ट प्रति विल नॉक अपीयर अगेन। स्नैक्स नाउ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। गोब्लिन अक्षत उनके सामने आ चुके हैं, कोशिश की जा सकती है यहाँ पर, देखिए पीछे तो नहीं हटने वाले, लेकिन यहाँ पर कोशिश नाकामयाब होते हुए हाकी और मैं क्रिकेट विनर वहां पर उनकी तरफ जाएगा। ऊपर से तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, लेकिन इस बीच दो शानदार टीमें उनके बीच में एक बैटल आपको देखने को मिलेगा। नेट से अभी थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश की जा रही है, वो पहला नॉक निकालने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है। ज़िगोर को यहाँ पे बैकफुट पे लेके जाया जाता है, ज़िगोर को नॉक करेंगे, जोन के बाहर से फ्लैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ज़िगोर, और वहीं पे बैकफुट पे जा चुकी है टीम गॉड लाइक। बट अभी के लिए अक्षत वो भी जोन के बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िगोर के पास तो बचने का चांस मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है। बट वहीं अगर बात की जाए स्मोक यहाँ पे जरूर करा हुआ है, क्लच गॉड बिल्कुल सामने, स्मोक का एडवांटेज वो भी उठा सकते हैं, शॉट लेने की कोशिश की जाएगी, चेस करके यहां पे नॉक करा जाता है अक्षत विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जिगल देयर, क्राउच करा गन चेंज करी नॉक करा, एंड गाउ गिल इज हिज नेक्स्ट टारगेट। स्लोली एंड स्टेडीली गिल को भी नॉक करा जाता है अक्षत। राइट नाउ दिस गाय इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, बट अभी भी 21 बचे हुए हैं, हील करके साथ जाने की कोशिश मेरे ख्याल से करी जा सकती है। नेड हाथ में जरूर है प्लेयर 3 के, स्लोली एंड स्टेडीली 2v1 की सिचुएशन यहां पे डाल दी गई है, एंड 21 क्या एक मैजिकल क्लच उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। एक एक करके प्लेयर्स की पोजीशन ज़िगोर्ड के द्वारा बताई जरूर गई है, बट 21 क्लच करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन के पास नहीं है। एम्पर के साथ प्लेयर 3 आगे बढ़ने की कोशिश, एंड हियर वी गो, एक इसके साथ बढ़ कर कहीं रुकेगी एक जाएगा आउट हो गए, वही बातचीत चल रही है यहाँ पर, एक साथ नहीं आ चेता। पर चलिए वहां पर एक और फाइट हमें इनिशिएट होते नजर आ रही है, तो जी हाँ एस पावर यानी गॉड लाइक वर्सेस गॉड लाइक एडमी लाइनअप की फाइट फिरो। बट अभी के लिए एस पावर को रिवाइव कराया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्प्रे करने की कोशिश वीरू के द्वारा, किल को काफी ज्यादा डैमेज देते हुए। दैट स्प्रे, लुक एट दैट स्प्रे, ज्यादा विजन नहीं था उनके पास। गिल आई थिंक उनको भी रिवाइवल चाहिए यहां पे गेम्स हो, कोशिश तो कर जरूर कर रहे हैं फिर, लेकिन स्पिरो डूम वो भी आई सुनते प्री फायर करा जरूर, वीरू भी अब आ चुके हैं उनके जस्ट सामने, लेकिन ज़िगोर शायद वो चैलेंज लेने के लिए जा रहे हैं। बट किसका होगा खात्मा, क्या वीरू यहाँ पर नॉकआउट निकाल सकते हैं? वो ड्रॉप शॉट लिया जरूर किया, लेकिन वहां पर वो उसके चलते रिच के चलते वहां पर निकाला नहीं जा पाएगा नॉकआउट। वीरू अभी बचे हुए सर्वाइव कर रहे हैं, एंड ही मैनेज टू गेट दैट नॉकआउट। भी मेरे ख्याल से पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि यहाँ पे एक अच्छा फ्लैग निकाले, फ्लैग रो नहीं दे, एक एक करके अपने प्लेयर्स को खत्म, अपने प्लेयर्स के लिए फिनिश निकालते, अपने टीम के लिए फिनिश निकालते हैं। बट 21 को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। नाउ क्लच गॉड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पर मेलर के द्वारा भी एक नॉकआउट निकाला गया था, लेकिन आप देखेंगे स्पिरो कॉल आउट मिल चुका है, उनके पास सभी तीनों खिलाड़ी यहां पर जीवित हैं। बेशक डूम्स ओपी का इंस्टेंटली गेम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी बात करें इंतजार किया जा रहा है यहां पर क्लच गॉड के द्वारा, लेकिन उनके जस्ट बिहाइंड ऑरेंज रॉक और दूसरा होगा स्पिरो। हम बात करें सोल का भी, थर्ड पार्टी अटैक आया यहां पर, ये सोल भी यहां पे आ चुकी है। इस पावर फ्रैग रोनी दोनों यहाँ पे नॉक, पैन हाथ में, व्हाट्स गोना हैपन, अक्षत यहाँ पे पैन नहीं करने देंगे, बट एस पावर को यहाँ पे जरूर पैन किया जाएगा। टीम सोल दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।